हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल इजी हेयर मास्क, जो हेल्प करता है ड्राई डैमेज बालों को स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और मोर मैनेजेबल बनाने के लिए। तो आइए बढ़ते वीडियो की तरफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मास्क के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर यूनिकेयर का एलोवेरा जेल लिया है। ये प्योरेस्ट जेल है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। और लेना है दही और आपके चॉइस के कोई भी हेयर ऑयल। आइए बढ़ते हैं मिक्सिंग रेशो की तरफ। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से दही ले सकते हो, पर यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच दही, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप अपने चॉइस के कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हो। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बालों में से टैंगल रिमूव करना है, क्योंकि टैंगल रिमूव करने से एप्लीकेशन काफी इजी हो जाता है। अब बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए हमें इस मास्क को इस तरह से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं इस हेयर मास्क के लिए, ये काफी इफेक्टिव है जिनके बाल काफी ड्राई डैमेज होते हैं। ये बालों को काफी स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनिंग और मैनेजेबल बनाता है। जैसे कि हमने इसमें यूज किया है दही। दही रिड्यूस करता है डैंड्रफ, ये कंट्रोल करता है हेयर फॉल और ये हमारे बालों को काफी हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल काफी स्मूथ हो जाते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा में विटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो रिपेयर करते हैं हमारे ड्राई डैमेज बालों को और ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और साथ में फैटी एसिड, जो रिमूव करता है हमारे बालों में से ड्राइनेस को और ये हमारे बालों को हेल्प करता है जल्दी ग्रो करने के लिए। ये बालों को काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल बनाता है। अगर आपके बालों में स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम है और हम रेगुलरली ऑलिव ऑयल अप्लाई करते हैं हमारे बालों के एंड्स पर, तो ये रिड्यूस करता है स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम को भी। अब इस हेयर मास्क को वीक में 2 बार लगाएं और आप खुद देखोगे कि आपके जो ड्राई डैमेज बाल है वो काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हो जाएंगे। मास्क लगाने के बाद हल्के हाथों से स्कैल्प को मसाज करें। अगर आपका स्कैल्प काफ़ी ड्राई रहता है तो ये हेयर मास्क हेल्प करेगा स्कैल्प को काफ़ी मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखने के लिए। अब मैं इस मास्क को 1 आवर तक मेरे बालों में रखूंगी और इसके बाद मैं इसे नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में एक बेल बटन है, आप उसे क्लिक कीजिए ताकि जब भी नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी आपके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी और आप सबसे पहले मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो।